आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहसन तंदुरुस्ती का टॉनिक। लेखक हैं राघवेंद्र नारायण दीक्षित, निर्देशक तस्वीर आबिदी। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें, इतने कांप क्यों रहे हो? कौन सा तीर मार कर चले आ रहे हो? आटे का पीपल आ रहा था, थक गया, माँ भारी था, उठाए नहीं उठता था, नीचे तक तो लिया, जीने से चढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तुम्हें जाओ जाओ उठा ला जा, जा करके। तुम्हें उठा ला जाकर, मैं कहती हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे क्यों नहीं। आखिर तुम कब तक वो फो या हड्डी का ढांचा लिए कमजोरी का रोना रोते रहोगे? पानी पानी ला, गला सूख रहा है, ला पानी ला। ये लो पानी। लौटते समय डॉक्टर को दिखाकर तंदुरुस्ती का टॉनिक लाना ना भूलना, समझे? समझ गया। अच्छा मैं चल रहा हूँ दफ्तर। लौटते समय डॉक्टर को दिखाकर तंदुरुस्ती का टॉनिक लाना ना भूलना। अच्छा अच्छा। आइए आइए परवान जी, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? देख देख देख, बात हो गया, अब मजाक छोड़ दे और मेरी फाइल दे दे इधर। देता हूँ देता हूँ। दे 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 दे। रोब क्यों दिखा रहा? ले ला। और तू इतना दुबला क्यों है? क्या तेरी बीवी पेट भर खाना नहीं देती, क्या बात है? नहीं भाई यार, मैं क्या छिपाना, उसे यार बड़ी फीलिंग होती है। हाँ, कहती है जब कभी घूमने जाते हैं ना, घर से निकलते हैं तो लोग देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है। भाई वो तो हम कुछ बताने यार, क्या करूँ, हो जाएगा यार, हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है? मुझे बता दिया ना तूने, अब देखना तेरे मोटापे के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तंदुरुस्ती लाख नेमत है, आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमजोरी के शिकार हैं, आंखें धस गई हैं, गाल पिचक गए हैं, तो मेरे पास इसका शक्तिया इलाज है, शक्तिया शक्तिया शक्तिया। ये देखिए, एक डिब्बी महीने भर के लिए काफी है, शहद के साथ मिला के चाटिए, दूध के साथ पीजिए, तेल में डाल के मालिश कीजिए, 3 महीने के अंदर वजन दुगना, 6 महीने के अंदर चौगुना, नकली साबित करने वाले को 5,000 का नकदीना। आप पूछेंगे कीमत तो कुछ नहीं, मिट्टी के मोल है, मिट्टी के मोल। यार विनोद, तेरी समझ में आ रहा है? ओ लैला यार, एक ऑलराउंडर चीज है, चाहे चाटो ते चाहे पी लो ते चाहे मालिश कर लो, क्या बात है, क्या चीज है यार। ओ भाई देना भाई, जरा एक उठाना इधर भी है यार। कितनी कीमत? 30 रुपए यार, 30 रुपए कह रहे हैं, दे दूं? दे। चलो फिर घर चलिए। चलो और देखी हूँ तगड़ा हो जाना तू। देखो मैं क्या लाया हूँ, ये देखो तंदुरुस्ती की टॉनिक लाया हूँ, अक्सर तंदुरुस्ती ले आया हूँ, 3 महीने में वजन दुगना, 6 महीने में चौगना, अब तो मोटा हो करके लाल लाल हो जाऊंगा, अब देखना आटे का पीपा क्या, अब पूरे क्विंटल भर का बोरा उठा लाऊंगा मैं। अच्छा हाँ। अरे भाई वाह, तब तो बड़ी अच्छी चीज ले आए हो, देखिए जरा इधर लो। ये देखो इसे शहद में डाल करके चाटा जाता है, दूध में मिला करके पिया जाता है, और तुम तेल के साथ थोड़ा सा रोज मालिश कर देना बदन में, और फिर देखना भाई कैसा तंदुरुस्त हो जाता हूँ मैं, एकदम से मोटा लाल। अच्छा जरा खोल कर देखूं जरा। अरे ये क्या है? क्या है? चोकर चोकर
और क्या? अरे नहीं नहीं, ये चोकर कैसे हो सकता है? अरे आटे का चोकर भरा है इसमें तो। अरे नहीं, 30 रुपए पानी में फेंक आए। हाँ। नहीं, 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 बड़े आए तंदुरुस्ती के चैनिक लेकर। अरे जा वापस करो उसको जाकर। अरे जाता हूँ भाई, जाता हूँ। अरे सारा, अरे सारा, हम लुट गए, हम लुट गए। अरे फंस गए, कोई है नहीं, ठग गया साला, ठग गया। ठीक है, अब चोकर छाटो शायद के साथ और बना बड़ी तंदुरुस्ती। अरे तो नाराज क्यों होती हो, गलती तो सभी से हो जाती है। एक बार फंस गया, अब की देखना रिटर्निंग लेकर के आऊंगा। हाँ आगे से ले लिया। यार विनोद, देखने यार इसमें तो चोकर ही निकल आया। क्या चोकर? हमें मजाक ना कर यार, 30 रुपए में कहीं चोकर मिलेगा? अरे देख यार, जरा जो चोकर है मेरा भरा हुआ इसमें। हैं? अरे हाँ यार, तो मेरा चोकर ही है, बिल्कुल बुद्धू बना गया हमें। अरे हाँ यार, एक बात सुन, मैं भूल ही गया बताना। क्या? सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था ना, तो बाड़ वाले गेट के बगल में एक आदमी बैठा कुछ बेच रहा था। अच्छा, हींग भी था उसके पास और कुछ, वो भूल गया मैं यार की था। वैसे मैंने उससे पूछा तो ये क्या होता है, तो उसने कहा ये तंदुरुस्ती का सबसे लाजवाब टॉनिक है बाबू साहब, ताकत की दवा है बाबू साहब, असली है, पहाड़ों के सपाट चट्टानों में मिलता बाबू साहब, बड़ी मुश्किल से लाया हूं बाबू साहब, कीमत भी ज्यादा नहीं बाबू साहब, सिर्फ 30 रुपए तोला बाबू साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलता हूँ देख के लेता हूँ। कहाँ बताया? गेट के पास बताया था। आओ चल चल, ये रहा वो सामने। अच्छा भाई सुनो, वो क्या है, ये क्या चीज है, क्या हिसाब दिया है? आइए बाबू साहब, बिल्कुल असली है बाबू साहब। अच्छा, खोई हुई जवानी फिर से प्राप्त कीजिए बाबू साहब, विश्वास के साथ ले जाइए बाबू साहब, कोई ज्यादा महंगा नहीं बाबू साहब, बस 30 रुपए तोला है बाबू साहब। मैं यार विनोद, 30 रुपए यार, ये तो फिर 30 रुपए वाला चक्कर, ये कहीं फिर से सारा चोकर निकल गया तो। अरे यार तू भी बुद्धू ही रहा, वो तो माल बंद था, ये तो बिल्कुल सामने देखने को मिल रहा है। ये तो मुझे मालूम है कि काला होता है। अरे काला तो बहुत कुछ होता है यार, कोयला पत्थर भी काला होता है, तारकोल भी काला होता है। अरे यार तू ले भी लेना था, मैं कंजूसी क्यों कर रहा है? वैसे ठीक है, तू कहता है तो ले लेता हूँ। लेना भाई लेना, एक तोला जरा देना जरा। हाँ बाबू साहब, ये लीजिए बाबू साहब। कितने रुपए भाई? बाबू साहब 30 रुपए बाबू साहब। 30 रुपए? जी बाबू साहब, दे दूं? 15 में तो लगा ये काटने था। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ले भाई ले, लाइए बाबू साहब। चलो फिर चलिए घर। चलो चल, हूँ आई गल। अरे कहाँ हो भाई, ये देखो तो मैं क्या लाया हूँ तारा। अरे मैंने तुमसे ताकत की टॉनिक लाने को कहा था, ये क्या उठा लाए? अरे खोई हुई जवानी फिर से प्राप्त करने की दवा लाया हूँ, तुम्हें पता है ये पहाड़ों की सपाट चट्टानों में मिलता है। हाँ, और तुमने जो कहा था ताकत की टॉनिक लाने को, वही लाया हूँ भाई, ताकत की दवा है। अरे भाई ये क्या है, क्या? सुनिए बता तो रहा हूँ, जंगली लंगूर भालू सब इसे चाट करके कितने ताकतवर हो जाते हैं पता है तुम्हें? अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हारी गिनती के जंगली लंगूर और रीछों में है, ये क्या उठा ले, कितने गिलाए हो? अरे भाई इस बार कितने गिलाए बता दे क्यों नहीं हो? बस 30 रुपए की भाई, तुम तो डांटती हो, डर लगता है। हाय राम, फिर 30 रुपए पानी में डाल आए, जरूर धोखा है। मैं देखो अभी पड़ोस वाले वैद्य जी को दिखा कर आती हूँ, और देखो मैं कहती थी ना कोयला है, अरे ये पत्थर कोयला, अब ईंट पत्थर खाकर पहलवान बनोगे क्या? बड़े आए थे लेकर देवे लेके। अरे भगवान, फिर धोखा खा गया। अरे ये विनोद का बच्चा मेरा। चलो
शाम को तुम्हें खुद लेकर मैं डॉक्टर कायाकल्प के यहाँ चलूंगी। ताकत की दवा के चक्कर में बस पता नहीं क्या क्या ले आते हो और उल्टी सीधी चीजों में पैसे बर्बाद करते हो। मैं तो कहता हूँ कि मुझे तुम ऐसे ही रहने दो। वो विनोद का बच्चा मुझे कौन सी, मुझे एशियाड में कुश्ती लड़नी है। अरे मुझे शर्म आती है तुम मेरे साथ में लेकर चलने में। लोग कितना हंसते हैं कि देखो कैसी जोड़ी है, एक हथिनी दूसरा झिंगुर। विनोद के बच्चे को तो मैं कच्चा ही सेवा जाऊंगा। चलिए डॉक्टर के यहाँ चलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए मैडम, कैसे याद आया आज डॉक्टर का कॉल, कैसे तकलीफ किया? डॉक्टर साहब तकलीफ देखिए इनको है। शो तो देखने से ही पता चल रहा है, ये आपके हस्बैंड है? जी हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा। देखिए ना क्या हुलिया बना रखी है। देखिए बिल्कुल ढांचा है, चलेंगे तो चक्कर आते हैं इनको। ओफो डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, कोई तंदुरुस्ती का टॉनिक लिख दीजिए। इधर आइए साहब, देखूं जरा। ओ जरा अपना जौबान दिखाइए। ठीक है ठीक है, भूख लगता है आपको? अजी दो आदमियों की खुराक है, अकेले खा जाते हैं पर लगता नहीं है कुछ भी शरीर में। देखिए मैडम इन्हें कोई बीमारी नहीं है, पेट साफ नहीं रहता है ना, बस उसकी दवा दिए रह रहा हूँ। खलास ये लीजिए, इसे गुनगुने पानी के साथ दिन में दो बार खाएं। टॉनिक के चक्कर में एक बार चोकर ले आए थे और फिर एक बार न जाने कौन से दवा ले आए, धोखे में पत्थर कोयला भगवान जाने क्या उठा ले। भाई ये बाहरी नीम हकीमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फायदा का बजाय नुकसान हो सकता है। ये लीजिए, ये इसब गोल का भूसी है। भगवान से भूसी वही चोकर के चक्कर है? नन्हे भाई अरे इसके सेवन से आपका पेट साफ रहेगा। अच्छा। और हाँ सोते समय एक गिलास गुनगुना दूध लें। अच्छा। दूध से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छा टॉनिक नहीं। और हाँ सुबह उठकर थोड़ा टहला करें। अच्छा। सुबह का टहलना सबसे अच्छा टॉनिक है तंदुरुस्ती के लिए। जी तारा सुना, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अब कभी नीम हकीमों की तंदुरुस्ती के टॉनिक के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आपने मेरी आँखें खोल दी तारा, समझ लिया तुमने? तंदुरुस्ती का टॉनिक तो सुबह का टहलना ही काफी है और एक गिलास दूध गुनगुना गुनगुना। बिल्कुल। अभी आपने राघवेंद्र नारायण दीक्षित का लिखा प्रहसन सुना, तंदुरुस्ती का टॉनिक। निर्देशक थे तस्वीर आबिदी और ये प्रहसन आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी।